वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान के बाद उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में हिंसा का माहौल बन गया था। जुमे की नमाज के बाद नमाजी सड़क पर उतरकर आक्रोश प्रदर्शन कर रहे थे और कई जगह तो पत्थरबाजी और आगजनी भी देखने को मिली। 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस ने जारी किया और कानपुर के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को पुलिस ने गिरफ्त में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और अब उस पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। उसके अगले ही जुमे प्रयागराज में भी हिंसा का माहौल बना, जहां पर आगजनी और जमकर पत्थरबाजी की गई थी। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप पर बुलडोजर का एक्शन हुआ और 12 जून को प्रयागराज पुलिस ने प्रयागराज प्रशासन ने मिलकर जावेद पंप के घर को बुलडोजर से ढहा दिया। लेकिन इसके बाद जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा याचिका लेकर कोर्ट में पहुंच गईं और उस याचिका में परवीन फातिमा ने कहा कि वो घर जो ढहाया गया है वो उनके नाम पर था, ना कि मुख्य आरोपी जावेद पंप के नाम पर। तो पुलिस और प्रशासन ने उनकी संपत्ति पर कार्रवाई कैसे की? उन्होंने अपनी याचिका में मनमाने तरीके से उनका मकान गिराए जाने का भी आरोप लगाया और परवीन फातिमा ने दलील दी कि मकान उनके नाम पर था, जबकि नोटिस उनके पति जावेद के नाम जारी किया गया था। ऐसे में उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई आखिर क्यों की गई और जो की गई है वो अवैध है। फातिमा ने याचिका में ये भी लिखा कि उनको दोबारा मकान बनाकर दिया जाए और साथ ही जब तक इसका निपटारा नहीं हो जाता तब तक उनको उचित मुआवजा दिया जाए और साथ ही तब तक सरकारी आवास रहने के लिए दिया जाए। अब इस याचिका पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांग लिया। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के अधिवक्ता से जवाब मांगते हुए अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून तक के लिए टाल दी है और 30 जून को इसकी अगली सुनवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज़।